hello everyone today we are going to start the part 2 of lesson number 6 that is insects and under this we will study about useful insects so there are many insects which are useful to us in one way or the other so the first one that is useful that is a honeybee as you can see here in the picture a honeybee is there and honeybee is one of the very useful insects for us right now how the honeybee is useful सी डियर चिल्ड्रेन हनी बीज जो हैं दे मेक देयर हाइव्स हनी बी के जो छत्ता जिसको आप कहते हो ना उसे हाइव कहते हैं बी हाइव बी हाइव जो है वो या पुरानी छतों पे या बिल्डिंग्स में या ट्रीज़ पे अपना छत्ता वो बनाती हैं और जो हनी बीज हैं दे आर अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स मतलब अच्छी खुशबू वाले फ्लावर्स की तरफ वो अट्रैक्ट करती हैं और ऐसे फ्लावर्स जो हैं स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं नेक्टर हनी बीज जो हैं एज यू कैन सी इन द पिक्चर यर देर इज़ अ बी हाई विच इज़ बिल्ट ऑन अ ट्री ठीक है सो इस तरह के वो छत्ते जो हैं जगह जगह पर अपने बनाते हैं नो एज आई वॉज टेलिंग यू कि हनी बीज जो हैं दे सक नेक्टर फ्राम द फ्लावर्स और नेक्टर क्या होता है ऐसा स्वीट लिक्विड जो कि स्वीट स्मेलिंग फ्लार्स प्रोड्यूस करते हैं और जब हनी भी ये सेक्टर ये नेक्टर सॉरी चक करती हैं देन दे कैरी इट टू दी हाई वो अपने छत्ते में उसे ले जाती हैं और उनका जो छत्ता होता है जैसे आपके घरों में कमरे होते हैं ठीक है दे यू हैव अ हाउस एंड हाउस हैविंग रूम्स वैसे ही हनी बी का जो हाइव होता है उसमें भी सिक्स साइडेड चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम कोम्स कहते हैं एज यू कैन सी हियर आप ध्यान से देख सकते हैं इस पिक्चर में जो कोम्स हैं वो सिक्स साइडेड हैं सिक्स साइड्स हैं उसकी यू कैन काउंट आल्सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और इन सिक्स साइडेड चैम्बर्स को हम कोम्स बोलते हैं हनी बीज अपना नेक्टर जो है इन कोम्स में स्टोर करती हैं और ये नेक्टर इट इट इनटू हनी और यही नेक्टर जो स्कोम में स्टोर होता है इट इज़ चेंज्ड इनटू हनी नाउ द क्वेश्चन राइज कि अब हनी तो बन गया नेक्टर से लेकिन अब उसे हम बी हाइव से कैसे कलेक्ट करेंगे तो देखो बेटा हनी को कलेक्ट करने के लिए हम बी हाइव के नीचे जो है आग जला देते हैं और उस आग के धुएं की वजह से और स्मो और सॉरी हीट की वजह से गर्मी और धुएं की वजह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उस हाइव को छोड़ के चली जाती हैं और फिर जो हनी कलेक्टर्स होते हैं जो हनी इकट्ठा करते हैं वो उस हाइव को वहाँ से रिमूव करते हैं और उन कोम्स में से हनी को कलेक्ट कर लेते हैं सो इन दिस वे दे रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट हनी बाय लाइटिंग द फायर अंडर द बी हाइव और वो बीज कैसे इधर उधर चली जाती हैं बिकॉज ऑफ हीट एंड स्मोक सो इन दिस वे हनी इज़ कलेक्टेड फ्राम अ बी हाइव ना आपको पता है बेटा जो हनी बीज हैं वो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं मतलब एक हाइव में देर आर नंबर ऑफ बीज बहुत थाउजेंड्स में बीज होती हैं जिनमें से फिफ्टी थाउजेंड टू एटी थाउजेंड वर्कर बीज होती हैं मतलब वर्कर बीज मीन्स जो कि नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं है, हाइव में दे आर वर्कर बीज और उनमें कुछ मेल बीज होती हैं जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं और एक बी हाइव में सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है तो सिर्फ वर्कर बीज का काम होता है टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर देम इन दी कोम्स ड्रोन्स होते हैं वो मेल बीज होते हैं एंड देर इज ओनली वन क्वीन बी इन दी बी हाइव नाउ दिस टर्म एपीकल्चर व्हाट इज़ एपीकल्चर बेटा जब हम हनी कलेक्ट करने के लिए बीज को पालते हैं उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर तो एपीकल्चर से आपको याद होना चाहिए कि हनी बीज को पाल करके जब हनी कलेक्ट किया जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एपीकल्चर नाउ द सेकंड यूजफुल इन्सेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी सिल्क मॉथ यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर दिस इज अ सिल्क मॉथ एंड इन द कमिंग पिक्चर ऑफ दिस दिस इज अ सिल्क वर्म तो सिल्क वर्म जो है पहले इट इज लाइक अ कैटरपिलर कैटरपिलर की तरह नजर आता है ठीक है सो हियर यू कैन सी द लाइव साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म जिसको हम डिटेल में लास्ट में इसको हम समझेंगे कि सिल्क वर्म का कैसे एग्स ले करता है फिर कैटापिलर निकलता है फिर कोकून बनाता है बट वी विल स्टडी अबाउट सिल्क मॉथ नाउ आपने बहुत बार सुना होगा अपनी मम्मा को कहते हुए कि आई हैव अ सिल्क साड़ी या ये मेरा सिल्क का सूट है तो ये सिल्क हमें किससे मिलता है वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म ठीक है बेटा आपके इस जो आपका पेज नंबर 45 है उसमें सिल्क मॉथ लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अ मॉथ मॉथ ऐसा नहीं होता है मैं और मॉथ आपको मैंने पिक्चर में ऑलरेडी शो किया है तो ये जो है दिस इज़ अ सिल्क वर्म ये कैटरपिलर की तरह होता है अब ये जो सिल्क वर्म्स होते हैं ये मलबरी लीव्स पर ग्रो करते हैं मीन्स दे ईट मलबरी लीव्स जिन्हें हम शहतूत के पत्ते कहते हैं जब फिर जो ये सिल्क वर्म होता है ये एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो कि एयर के साथ कांटेक्ट में आने पर एक फाइन थ्रेड में बदल जाता है और ये सिल्क वर्म जो है उसी थ्रेड से अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है एंड दिस कवर इज़ नोन एज कोकून ठीक है जब हम लाइफ साइकिल देखेंगे ना सिल्क वर्म uh, का तब तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी और इन कोकून्स को फिर कलेक्ट किया जाता है और उसमें से सिल्क थ्रेड को निकाला जाता है तो उसे निकालने के लिए दे आर कैप्टन अ बॉयलिंग वाटर और वहाँ से फिर वो सिल्क थ्रेड जो है ऑप्टेन कर लिया जाता है एंड इट इज सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम देम सो नेक्स्ट यूजफुल इंसेक्ट इज योर लैक इंसेक्ट लैक इंसेक्ट जो हैं, दे ग्रो ऑन बैन ट्रीज बैनन ट्रीज पे ज़्यादातर वो ग्रो करते हैं और वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेमी सॉलिड होता है ना वो लिक्विड uh, होता है ना ही वो सॉलिड uh, होता है तो सेमी सॉलिड जैसा होता है जिसको लैक कहते हैं और लैक का इस्तेमाल करते हैं हम प्रिंटिंग इंक में पेंट्स में वार्निश में या फिर बैंगल्स बनाने के लिए इस तरह की तो क्योंकि ये जो चमक आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी ये देखिए एक बेन ट्री की ब्रांच नजर आ रही है उसके ऊपर ये इंसेक्ट्स होते हैं लेकिन वो अपने बाहर ये इस तरह की कवरिंग बना लेते हैं और इस कवरिंग को हम लैक कहते हैं ये सेमी सॉलिड जैसा सब्सटेंस होता है नाउ नेक्स्ट इज लेडी बर्ड बीटल एज यू कैन सी क्लियरली इन दिस पिक्चर दिस इज अ लेडी बर्ड बीटल ठीक है इसका काम क्या होता है इसका काम होता है टू ईड लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट दैट आर हार्मुल फॉर प्लांट्स पेस्ट क्या होते हैं बेटा पेस्ट ऐसे इंसेक्ट्स uh, होते हैं या ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं या हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या uh, कोई भी फूड आइटम है उसके लिए हार्मफुल होते हैं दे आर पेस्ट तो लेडी बर्ड बीटल जो है उन्हें खा लेता है Now here is another term that is sericulture. Sericulture means rearing and breeding of silk worms. यानी कि silk worms को पालना उन्हें breed करवाना ताकि हमें silk मिल सके that is called sericulture. और apiculture हम पहले पढ़ चुके हैं that is rearing and breeding of honey bees for getting honey. Now dear children, this is about the life cycle of a silk moth. देखिए life cycle of a silk moth में बहुत सारी stages होती हैं तो उन stage को हम one by one समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक स्टेज जो है दूसरे में बदल जाती है ठीक है देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो स्टेज वन है उसमें जो फीमेल सिल्क मौत है ये देखिए फीमेल सिल्क मौत आती है और शी इट लेज एग्ज ऑन ए लीफ और ये लीफ कौन सा बताया था मैंने आपको मलबेरी लीफ यहाँ इसने एग्ज ले कर दिए अब नाउ कम्स दी स्टेज टू स्टेज टू में क्या होता है कि दो हफ्ते के बाद ये जो एग्स हैं दे बिगैन टू हैच और उसमें से छोटे छोटे कैटरपिलर निकलने शुरू हो जाते हैं आफ्टर हैचिंग ऑफ द एग्स और ये जो छोटे कैटरपिलर्स हैं दे आर कॉल्ड सिल्क वर्म नाउ थर्ड इज स्टेज जो है उसमें जो सिल्क वर्म है वो मलबरी लीव्स के ऊपर फीड करता है मतलब उसे खाता है और वो तीन से चार हफ्ते में काफ़ी बड़ा हो जाता है स्टेज फोर कम्स स्टेज फोर में क्या होता है कि ये जो कैटरपिलर है या ये जो सिल्क वर्म है ये एक फाइबर को प्रोड्यूस करता है जो कि हार्ड हो जाती है जब वो एयर के कॉन्टेक्ट में आती है ठीक है एंड इट फॉर्म्स अ कोकून ये जो कवर उसने अपने चारों तरफ बना लिया दैट इज़ अ कोकून न नेक्स्ट स्टेज फाइव स्टेज फाइव में क्या होता है जो कैटोपिलर है उसको तीन से सात दिन लगते हैं कोकून बनाने में और इस कोकून के अंदर जो है जो कैटरपिलर है वो प्यूपा में बदल जाता है ये देखिए इट चेंजेस इन टू प्यूपा नाउ स्टेज सिक्स जो लास्ट है कुछ हफ्तों के बाद ये जो कोकून है वो खुल जाता है और एडल्ट मॉथ ये जो सिल्क मॉथ है ये बाहर आता है एंड इट फ्लाइज तो सिल्क थ्रेड जो हैं उस कोकून से हम दे इट इज ऑप्टेंड फ्रॉम द कोकूं ऑफ सिल्क वॉम सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूजफुल इंसेक्ट्स हमने कौन कौन से पढ़े हनी बी सिल्क मॉथ लैक इंसेक्ट एंड लेडी बर्ड बीटिल और आई होप यू लाइक द वीडियो ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ सो यू विल बी रीडिंग टिल लेडी बर्ड बीटिल टॉयज सो टिल देन हैव अ गुड डे